think it's not good for the relationship, and I think it's not good for Canada. We are at a loss to understand, other than the requirements of vote bank politics, why anybody would do this. I think there is a larger underlying issue about the space which is given to separatists, to extremists, to people who advocate violence. आज अखबारों में एक छपी खबर ने पूरे भारतीय जनमानस को परेशान कर रखा है। ऑपरेशन ब्लू स्टार की वर्षगांठ कह सकते हैं आप उसे ज्यादा के मौके पर कनाडा में एक बकायदा रैली निकाली गई, टेबलो निकाला गया और उसमें मिसेस गांधी को की हत्या करते हुए दो जवान दिखाए गए हैं और ये एक तरीके से उन जवानों को या जो जिन लोगों ने श्रीमती गांधी को मारा था, जो जवानों के भेष में थे, उन्होंने उनको दिखाया गया उनको मारते हुए। तो ये अपने आप में बहुत ही त्रासद घटना है देश के लिए, देश के जनमानस के लिए, और खास तौर से जब सभी लोग देश की मुख्य धारा में हो, ऐसे में ऐसी चीजें दिखाना, उत्तेजित करना, खालिस्तान की मांग को लेकर के आगे जाना अपने आप में बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरीके की घटनाएं पहले भी होती रही है लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ, और शायद इसी वजह से विदेश मंत्री जयशंकर ने बहुत साफ साफ कहा है कि ऐसा तो नहीं चलेगा, ऐसा होने वाला नहीं है और ऐसा कनाडा के लिए बहुत अच्छा नहीं है। इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जाने माने पूर्व राजनयिक दिलीप सिन्हा साहब हैं। दिलीप जी, बहुत बहुत आभार आपका नवोदय टाइम्स पंजाब के साथ बातचीत करने के लिए। ये मुद्दा कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं और इससे किस तरीके के संबंधों में, खासतौर से कनाडा ऐसे देश है जिससे हमारे बहुत मैत्रीवत संबंध रहे हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं और कितनी गंभीरता से इसे देखा समझा जाना चाहिए? देखिए, कनाडा के साथ भारत के संबंध अच्छे तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अभी भारत से कम 5 लाख लोग वहां पर प्रवासी भारतीय हैं, भारतीय मूल के हैं, और अभी बहुत लोग वहां जा रहे हैं, बहुत विद्यार्थी वहां पढ़ रहे हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी हमारे संबंध अच्छे ही कहे जाएंगे, लेकिन एक मामले में हमारे संबंध अनेक वर्षों से बहुत खराब रहे हैं और वो है वहां पर जो एक समुदाय है सिखों का, जो कि खालिस्तानी सिख कह सकते हैं उन्हें आप, बहुत ही उग्रवादी उसमें एक गुट है जो कि वहां पर सक्रिय है और आज नहीं, बहुत अनेक वर्षों से सक्रिय है। आपको याद है कि एयर इंडिया का जो विमान बॉम्ब हुआ था, अपहरण नहीं, जिसकी बॉम्बिंग हुई थी, वो हवाई जहाज टोरंटो से आ रहा था लंदन और उसमें बम रखा गया था टोरंटो के हवाई अड्डे में और वो बम एक्सप्लोड कर गया और हवाई जहाज का विस्फोट हो गया था वहां पर अटलांटिक महासागर के ऊपर। तो ये घटना 1984 की मेरे ख्याल से है, होनी चाहिए या उसके आसपास की। तो इस प्रकार के की गतिविधियां कनाडा में होती रही हैं और कनाडा ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अनेक वर्षों तक भारत दबाव डालता रहा कनाडा के ऊपर उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए और थोड़ी बहुत कार्रवाई कनाडा ने की लेकिन संतोषजनक कार्रवाई अभी तक नहीं की है उनके विरुद्ध। और ये जो गुट है वहां पर, इस गुट को हम कह सकते हैं कि संरक्षण ही दिया गया है वहां पर, क्योंकि जो कैनेडियन गवर्नमेंट है इसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर रही है। और इधर आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों में जब वो हमारे दूतावास पर आक्रमण हुआ था, लंदन में हुआ था, कनाडा में हुआ था, उस समय भी कनाडा सरकार में ने कार्रवाई बहुत सीमित ढंग से की थी। तो कनाडा में ये जो एक कनाडा सरकार की नीति रही है उसे हम भारत विरोधी नीति कह सकते हैं और एक तरीके से उसे हम आतंकवाद के समर्थन भी कह सकते हैं, क्योंकि कनाडा मानता है कि ये मामला मानव अधिकार का है, लेकिन ये मानव अधिकार से कहीं आगे है, ये आतंकवाद को समर्थन देने का है। क्योंकि पश्चिमी देश जब 9/11 हुआ था उसके पहले तो इस प्रकार का समर्थन बहुत देश कर रहे थे, लेकिन अमेरिका के दबाव में आकर आतंकवाद के विरुद्ध पश्चिमी देशों ने अपनी नीति बदली
और मानव अधिकार के मामले में भी वो थोड़ा सख्त हुए कि आतंकवादी गुटों को मानव अधिकार के बहाने किसी प्रकार का प्रेशर नहीं मिलना चाहिए। तो ये कनाडा में अभी तक चल रहा है और हमने इधर देखा कि ये ब्रिटेन में भी फैल गया है और कुछ हद तक ऑस्ट्रेलिया में भी चला गया, लेकिन कनाडा इसका एक बहुत बड़ा केंद्र है अभी भी। जी, जहां तक मानवाधिकार की बात है, तो जब हम आप ऐसे, आप तो खैर मतलब इस पूरे फील्ड के विशेषज्ञ हैं, लेकिन आम आदमी जब ये मानता है कि ये मानवाधिकार का मामला बिल्कुल नहीं है, ये एक तरह से देश की, भारत ऐसे देश की सार्वभौमिकता पर हमला करने की एक तरीके से बात है, और अभी तक मतलब उनको मान्यता देना या उनको प्रश्रय देना, प्रश्रय ना भी दे लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई ना करना, अपने आप में बहुत गंभीर घटना मानी जाती रही है। अभी तक होता ही रहा है कि इस बारे में ज्यादातर कुछ वर्षों पहले तक सिर्फ एक खंडन हो गया, एक बातचीत हो गई, एक निंदात्मक प्रक्रिया हो गई, लेकिन इस तरीके की घटनाओं के इतिहास तो पहले भी रहे हैं। तो क्या आप उन घटनाओं को इस घटना से जोड़ रहे हैं, और ये क्या सचमुच जहां कनाडा को इतना कहने समझाने के बाद भी अगर वहां इस तरीके से कार्रवाई चल रही है या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो भारत किस तरीके से आप देख रहे हैं रिएक्ट करेगा, क्या उसकी संभावना आप देखते हैं? क्योंकि पहले भी अभी कुछ दिनों पहले तक ये हुआ था कि ब्रिटेन में जब ऐसा कुछ हुआ तो वहां की सिक्योरिटी यहाँ से राजदूतावास से हटा दी गई, वहां कभी यहाँ दे दी, तो उसके बाद सब चीजें ठीक ठाक हो गई और भी चीजें होती रही हैं इस देश में। आप क्या समझते हैं पुरानी घटनाओं को लेकर के कैसी रही है, कौन कौन सी किस तरह रही है जिसका असर पड़ता रहा है, और दूसरा भारत अब क्या करना चाहिए या क्या उसको आप मानते हैं, किस तरह से देख रहा है? जहां तक कनाडा के साथ संबंधों का सवाल है, इसका असर तो पड़ा है, पहले भी पड़ा है और आज फिर पड़ा है। जब कल विदेश मंत्री ने जो वक्तव्य दिया कि इस प्रकार की घटनाएं यदि होती हैं तो भारत कनाडा संबंध पर इसका प्रभाव पड़ेगा, और पड़ना भी चाहिए, क्योंकि यदि सरकार अपने दायित्व नहीं निभाती है कनाडा की, तो उसे ये उम्मीद रखना कि भारत उसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखेगा ये उसके संभव नहीं है। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, जहां पर कि खालिस्तान के बहुत लोगों को शरण दिया है पाकिस्तान ने और समर्थन भी दिया है, तो पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध बिगड़े हुए हैं अनेक कारणों से। उसमें एक कारण ये भी है कि पाकिस्तान कई खालिस्तानी तत्वों को असमर्थन करता है, उनको हिंसा की ओर प्रेरित करता है, और यदि कनाडा इसी प्रकार की नीति जैसा कभी चला रहा है करता है, तो हमारे संबंध कनाडा के साथ भी प्रभावित निश्चित रूप से होंगे और हुए भी हैं। आपको याद होगा 2-3 वर्ष पहले जब कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो यहाँ पर आए थे, भारत आए थे, तो घूमते रहे, उनकी खास यात्रा उनकी सफल नहीं हुई थी और बहुत ही हल्की फुल्की यात्रा रही। उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि भारत कनाडा से नाखुश रहा है, और यद्यपि आम जनता के स्तर पर लोग जाते रहे हैं, आते रहे हैं, व्यापार वगैरह होता रहा है, लेकिन सरकारों के बीच संबंध जो हमारे हैं उनमें खटास निश्चित रूप से रही है और अब और बढ़ेगी, क्योंकि ये जो कार्रवाई हुई है इसमें मानव अधिकार में आप कह सकते हैं कि वहां के लोग आंदोलन कर सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं, भारत की इस नीति का विरोध कर सकते हैं, लेकिन एक आतंकवादी घटना और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या एक आतंकवादी घटना थी, एक बहुत ही जघन्य हत्या थी वो, उसका समर्थन करना, उसके ऊपर एक जुलूस निकालना, ये बिल्कुल पूरी तरह निंदनीय है, और इसको यदि कनाडा सरकार का कार्रवाई नहीं करती है तो हमें ये मान के चलना चाहिए कनाडा सरकार इस प्रकार के आतंकवादी आक्रमणों का समर्थन कर रही है और ऐसे लोगों को प्रोत्साहित कर रही है। तो हमें निश्चित रूप से ये स्पष्ट करना चाहिए कनाडा को कि हमारे संबंध प्रभावित होंगे इससे। बिल्कुल, आतंकवादी घटना का समर्थन करना या उसको होते देखना भी अपने आप में एक समर्थन की श्रेणी में आता है। क्या इसकी एक वजह ये नहीं है भारत के बहुत कड़ा रुख अपनाने की कि वहां कई भारतवंशी लोग रहते हैं,
पंजाब से काफी लोग वहां आते जाते रहे हैं, वहां स्थायी रूप से बसने की कोशिश में रहते हैं। क्या एक कारण तो ये तो नहीं है कि जो लिबरल एटीट्यूड अपनाया अभी तक जाता रहा है, अब शायद थोड़ी स्थिति, पहली बार भारतीय विदेश मंत्री ने, भारत सरकार ने किसी देश के लिए कहा कि कहीं ऐसा ये सही नहीं है, आपकी क्या राय है? ये आपने ठीक कहा कि भारतीय विदेश मंत्री ने जिस प्रकार वक्तव्य दिया है वो बहुत ही ठोर वक्तव्य है और ऐसा शायद पहले बहुत कम हुआ हो, विशेषकर कनाडा के संबंध में, पाकिस्तान और चीन के संबंध में होते रहे हैं। लेकिन वो तो हमें एक मानकर चलना होगा कि वर्तमान सरकार जो भारत की है वो एक बहुत कड़ा रुख अपनाती है विदेश नीति में और अपनी बात मुखर रूप से बोलती है, जो कि पहले हम लोग नाराज भी होते थे तो वक्तव्य में हम एक जिसे कहते हैं डिप्लोमेटिक भाषा का प्रयोग करते थे और इतना मुखर होकर हम नहीं बोलते थे, लेकिन अब बोला जा रहा है क्योंकि शायद आवश्यकता भी है इस प्रकार के वक्तव्य देने की और इस सरकार की नीति भी है कि हम इस प्रकार के जो भी कार्रवाई होगी उसका हम जवाब मुंह खोल कर देंगे। आप क्या संभावना देखते हैं कि भारत आगे एक ठोस कार्रवाई किस तरीके से करेगा इस मामले में, जिससे कार्रवाई होती हुई नजर आए, आपको क्या लगता है क्या संभावना है? इसमें हमें कनाडा सरकार पर दबाव डालना चाहिए कि उनके विरुद्ध कार्रवाई करे, हमें जो द्विपक्षीय संबंध हैं उस पर निश्चित रूप से एक लगाम लगानी चाहिए कि हम जो संबंध है उसे आगे बढ़ने से हम उसकी गति धीमी कर देंगे। पूरी तरह से रोकना तो मुश्किल है क्योंकि हमारे व्यापारिक संबंध हैं, हमारे लोग वहां रहते हैं, जाते आते रहते हैं, टूरिस्ट जाते हैं, इसलिए उन संबंधों को शायद रोकना मुश्किल होगा, विशेषकर जो हमारे विद्यार्थी वहां जाकर पढ़ना चाहते हैं, लंबी कतारें लगी रहती हैं वीजा लेने के लिए कनाडा की, लोग वहां पर लंबी कतारों में सिटीजनशिप लेने के लिए खड़े हैं। ऐसी परिस्थिति में सरकार के ऊपर भी दबाव पड़ता है कि वो अपना जो अपनी जो नीति है कनाडा विरोधी नीति उस पर थोड़ा अंकुश रखे, लेकिन इन सब के होते हुए भी भारत सरकार को चाहिए कि जो द्विपक्षीय संबंध हैं उस पर कड़ी निगाह रखे और जो भी कनाडा चाहता है कि ये जिस क्षेत्र में संबंध आगे बढ़े उसमें देख कर समझ कर और वहीं पर आगे बढ़े जहां हमारे हित हैं और यदि कनाडा के हित हैं जहां पर आ रहे हैं वहां पर थोड़ी और कड़ाई रखे और कनाडा के विरुद्ध जो हमारे वक्तव्य हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है यहाँ पर, विशेषकर जो आतंकवाद जहाँ पर जिनकी निंदा होती है वहां पर उनका जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी भारत की एक नीति रही है कि हम दूसरे देशों के अंदरूनी मामलों में हम टिप्पणी नहीं करते हैं, विशेषकर मल्टीलैटरल फोरम्स जो हैं, बहुपक्षीय जो संस्था जो संगठन है उनमें, तो शायद हमें उस नीति को भी पुनरावलोकन करने की जरूरत है। क्या भारत के लिए ये एक सही वक्त नहीं है कि एक ठोस तरीके से कार्रवाई करने को बाध्य किया जाए और अन्य देशों को जो कभी कभी इस तरीके की आतंकी समर्थक वाली कार्रवाइयों का कभी कभी समर्थन कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं, उनको एक संदेश देने की कोशिश किया जाए कि अब ऐसा नहीं चलेगा, क्या ये आप मानते हैं कि ये सही वक्त है? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि हमारी ये नीति रही है कि हम दूसरे देशों के आंतरिक मामले, यहाँ तक कि मानवाधिकार के मामलों में भी हम टिप्पणी नहीं करते हैं और जो भी हमारे हमारे जो भी कंसर्न्स होते हैं उनको हम द्विपक्षीय तौर पर प्रेस की मीडिया के दृष्टि से हट करके अपने क्लोज डोर जैसा कहते हैं उसमें बातचीत करते हैं हम, लेकिन जैसा आपने कहा कि हमें इन विषयों को जो अन्य देश हैं उनके साथ उठाना चाहिए और जो हमारे जो बहुपक्षीय जो मंच है मल्टीलैटरल फोरम्स जो हैं विशेषकर जहां पर कि इस प्रकार आतंकवाद पर या मानवाधिकार पर बातचीत होती है वहां पर हमें इन मुद्दों को उठाना चाहिए कि मानवाधिकार में की आड़ में आप आतंकवाद को का समर्थन नहीं कर सकते हैं और इन बातों को लेकर हमें अब थोड़ा और खुलकर बोलना होगा और दृढ़ता से बोलना होगा ताकि ये देश भी समझें कि केवल वही टिप्पणी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये पश्चिमी देश हैं,
कनाडा है, यूएसए है, ब्रिटेन है, ये लोग अपना अधिकार समझते हैं कि वो दूसरे देशों के मानव अधिकार पर टिप्पणी करें, रिपोर्ट निकालें। तो हमें भी अधिकार है कि हम उनकी बात, उनके जो कार्रवाई है उस पर हम टिप्पणी करें, विपक्षी तौर पर करें या बहुपक्षीय मंचों पर भी करें। बिल्कुल सही फरमाया आपने कि हमें भी यह हक है कि हम अपनी बात को पूरे विश्व के सामने रखें, और अगर वो ऐसी कोई भी कार्रवाई हो रही है जो हमारे देश के खिलाफ है, हमारे देश के विरोध में जाती है, तो उसका कड़ा विरोध किया जाए, और ऐसा विरोध किया जाए कि पूरे विश्व को इसका संदेश दिया जाए। बहुत बहुत आभार दिलीप जी आपका कि आपने नवोदय टाइम्स पंजाब के सीधे बातचीत करने के लिए समय निकाला और एक गूढ़ चर्चा को एक नया आयाम देने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।